नवादा में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। बुधवार को मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग स्कूल की बस पार कर रही थी, तब अचानक गाड़ी का चक्का रेलवे ट्रैक में फंस गया। बस ड्राइवर की काफ़ी मशक्कत के बाद भी गाड़ी को ट्रैक से निकाला गया। इसी दौरान मेमू ट्रेन आ रही थी। गनीमत थी कि लोको पायलट ने अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रेन रुकते ही स्थानीय लोग वहां पहुंचे और बस को ट्रैक से निकालने की कोशिश करने लगे। यह घटना नवादा के नरहट थाना क्षेत्र के चातर गांव के क्यूल गया रेलखंड पर हुई। वहां के स्थानीय लोगों से जब इसके बारे में पूछा गया, उन लोगों ने कहा कि स्कूल की खाली बस नवादा शहर की ओर जा रही थी, तभी अनाधिकृत रेलवे क्रॉसिंग में बस का चक्का अचानक से फंस गया। बस काफ़ी देर तक फंसी रही। ट्रैक से बाहर निकलने का प्रयास ड्राइवर और वहां के स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अचानक तिलैया रेलवे स्टेशन से सुबह करीब 10 बजे मेमो ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। हॉर्न सुनते ही बस को छोड़कर सभी लोग भाग खड़े हुए। रेलगाड़ी ड्राइवर ने बस को देखा, इसके बाद उसने सूझबूझ का परिचय देते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगते ही ट्रेन रुकते रुकते बस के काफ़ी करीब आ गई। हालांकि इस दौरान किसी भी जान माल को कोई खतरा नहीं हुआ है। इसके बाद भीड़ ने बस को धक्का देकर रेलवे ट्रैक से भी हटाया। लंबे समय से वहां रेलवे फाटक बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन उनकी मांग होने के बावजूद इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे पहले कई बार रेलवे फाटक करते करते यहाँ पर कई सारी दुर्घटना भी हो चुकी हैं।